मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। नोटबंदी, रोजगार और महंगाई पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। नोटबंदी से कहा कि ना तो नक्सलवाद खत्म हुआ ना ही आतंकवाद, और साथ ही भाजपा के चुनावी वादों पर गहलोत का हमला। कहा मोदी सरकार की योजनाएं पूरी तरह से नाकाम साबित हुई, केवल जुमलेबाजी में 5 साल निकाल दिए, ना रोजगार मिला ना महंगाई कम हुई। और सेना पर पूरे देश को गर्व है, लेकिन कांग्रेस ने कभी सेना पर राजनीति नहीं की। पहली बार सेना का राजनीतिकरण किया गया मोदी सरकार के द्वारा। 200 सैनिकों ने राष्ट्रपति को आखिर पत्र क्यों लिखा, ये भी सवाल या निशान खड़े किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और ये भी कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर भी गहलोत ने जमकर निशाना साधा। कहा मोदी सेना बताने वाले योगी जी दर्ज हो, राजद्रोह का मुकदमा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सेना के नाम पर राजनीति नहीं की। नोटबंदी, रोजगार, इन सभी मुद्दों पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। बहुत बड़ा चिंता का विषय पैदा हो गया है मोदी जी के शासन के अंदर जिस प्रकार का व्यवहार किया गया देशवासियों के साथ में। नोटबंदी में लोगों को खड़ा कर दिया लाइनों में, 350 लोग मारे गए, आज तो कोई पूछने वाला नहीं उनको, उनका कसूर क्या था। ब्लैक मनी वाइट हो गई, पीछे के दरवाजों से बैंकों के आगे लाइनें लगी रही, ये तमाशा कितने दिन चला। और नक्सलवाद खत्म होगा, कोई ख़त्म नहीं हुआ। आतंकवादियों की कमर टूट जाएगी, वो आज भी पुलवामा में देख लिया आपने क्या हुआ। तो कहने का मतलब ये कि नोटबंदी की गई तो ये कहा गया था कि ब्लैक मनी भी ख़त्म हो जाएगी, पूरी पूरी जमा हो गई, तो तमाम उनकी योजनाएं पूरी तरह नाकामयाब रही है। जुमलेबाजी से 5 साल निकाले हैं, कोई वादे पूरे नहीं हुए, ना ब्लैक मनी लाने के पूरे हुए, 1 रुपया ब्लैक मनी के बाहर से नहीं आया।